स्टूडेंट्स टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो हम क्या कर सकते हैं इसे, हम इसे लिख सकते हैं साइन। और देखिए आपको पता ही है, मैं बता चुका हूं और इस पर बेस्ड आपकी एक कॉन्सेप्ट वीडियो भी बन चुकी है, तो आपको अगर इसके बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो आप वो कॉन्सेप्ट वीडियो आप जरूर देखिए। तो देखिए, ऐड शुगर टू कॉफी में आपका क्या होता है, ऑल, दैट मींस सारे पॉजिटिव। यहां पर आपका साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक भी पॉजिटिव होगा, और यहां पर क्या होगा, टेन पॉजिटिव होगा, तो टेन पॉजिटिव है तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये कॉट और यहां पर कॉसिक, और यहां पर क्या है, कॉस पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, ये कॉस्ट नहीं है, कॉस पॉजिटिव है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। और यहां पर क्या होगा, सेक पॉजिटिव भी होगा। तो अगर देखिए हमें इसकी वैल्यू अगर हमें चाहिए, तो देखिए ये आपका पूरा पूरा जो आपका एक साइकिल है वो कितने का है, वो एंगल, वो आपका सेंटर पर एंगल बनाता है 360 डिग्री का ये पूरा साइकिल है, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 765 डिग्री। तो 765 डिग्री यानी कि एक पूरा साइकिल हो गया 360 डिग्री, और एक और साइकिल हो गया कितना, 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री, तो ये आपका कितना हो गया, 720 डिग्री। अब हमें लग रहा है कि हम इसके पास तक पहुंच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 45 ऐड कर देंगे। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 765 डिग्री है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 360 डिग्री इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। अब देखिए इसे मैं क्या लिखूंगा, साइन, और ये आपका क्या हो जाएगा, 360 डिग्री को ब्रेक करके मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री इंटू 4 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री इंटू 8 प्लस 45 डिग्री। अब देखिए इसकी अगर वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो देखिए मैंने आपको बताया है, मैंने इसके कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको बताया है कि अगर अगर मान लीजिए हमारा जो एंगल है वो हमारा बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, बहुत बड़ी क्वांटिटी का एंगल है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम निकाल नहीं सकते, मैन्युअली इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम उसको साइकल्स में ब्रेक करके लेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक साइकिल में हम उसको ब्रेक करके ले लेंगे। उसमें क्या होगा, अगर भाई मान लीजिए कि एंगल की वैल्यू 2000 3000 टाइप की एक स्टैंडर्ड वैल्यू, 2000 3000 टाइप की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपकी क्वाड्रेंट में लाई करने वाली स्टैंडर्ड वैल्यू है, जिसपे हमें क्या होता है, हमें उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फिक्स वैल्यू हमको पता होता है। तो आपकी वैल्यू मान लीजिए 90 डिग्री इंटू एन प्लस माइनस थीटा के ही फॉर्म में होगी, ध्यान से समझिए इसको, आप जो भी आप लार्ज एंगल कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 90 डिग्री इंटू एन, जहां एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन आपका रिप्रेजेंट करेगा साइकल्स को, साइकल्स को डिनोट करेगा कि क्या हो गया, कि कितने साइकिल हो गए। जैसे हमें 765 तक जाना है तो हम पहले एक साइकिल गए, फिर उसके बाद एक और साइकिल गए, तो 720 हो गया, तो 720 हो गया, तो हमने 45 और ऐड कर दिया, तो 45 और ऐड कर दिया, दैट मींस मैं ये कह सकता हूं कि भाई दूसरे चक्कर के बाद ये हमारा क्या था, ये जो पॉइंट था इस जगह से घूम करके आया था, और अब ये 720 हो गया है, तो ये क्या है कि ये डिस्प्लेस होकर के यहां पर कहीं इस पोजिशन पर आ गया। तो जो आपका जो एंगल बन रहा है, जो 765 डिग्री बन रहा है, तो देखिए ये जो आपका एंगल होगा, ठीक है, ये जो आपका एंगल है, और इसमें आपकी दो साइकिल्स इन्वॉल्व हैं, तो ये जो आपका एंगल है ये आपका कितना बनेगा, 765 डिग्री टाइप का आपका
एंगल बनेगा, 765 डिग्री एंगल आपका बनेगा। तो अगर ये साइकिल्स जो आपकी एन है, ये अगर साइकिल्स अगर इवन होती हैं, अगर इवन है तो क्या होगा, नो कन्वर्जन होगा। दैट मींस आपका साइन जो है साइन में ही बना रहेगा, कॉस कॉस में ही बना रहेगा, टैन आपका टैन में ही बना रहेगा। लेकिन अगर ये आपका आपकी ये जो साइकिल है, अगर ये ऑड साइकिल है, तो ऑड साइकिल है तो ये आपका साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन आपका कॉस में कन्वर्ट होगा, आपका कॉस आपका कॉस आपका साइन में कन्वर्ट होगा, टैन आपका कॉट में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपका 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा में जैसे कन्वर्जन होता है, वैसे ही कन्वर्जन इसमें भी यहां पर होगा। और आपके जो एंगल की जो वैल्यू है वो क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा, एंगल की जो वैल्यू है वो क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा कि किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में क्या हमारा पॉजिटिव होता है। अगर जो हमारा पॉजिटिव होता है तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर वही है तो पॉजिटिव होगा, अगर उसके अलावा अदर देन है तो फिर नेगेटिव होगा। वो चीज किससे डिसाइड होगी, क्वाड्रेंट से डिसाइड होगी। तो अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि यहां पर एट आपकी कैसी साइकिल है, एट आपकी एक इवन साइकिल है। इवन साइकिल अगर है तो इसमें क्या होगा, नो कन्वर्जन। तो दैट मींस ये आपका साइन 90 डिग्री इंटू एट प्लस 45 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। नोट कर लीजिए इसको।